इस रमजान मैं और समी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। हम सजाएंगे एक ऐसी पुरनूर महफिल जहां आप सुनेंगे हम बेबारी ताला और नाच शरीफ। तुम सोचते ही रहना, अगर 6 महीने पहले तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज मेरे पास मेरी बुटीक भी होती और रेस्टोरेंट भी होता। लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात नहीं सुननी थी क्योंकि आप इस स्टूपिड म्यूजिक एक्सरसाइज से बाहर ही नहीं निकलते। मैं हूं एहसन खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में पीटीवी की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर, ये क्या बात हुई? नहीं, नहीं। ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब, आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं। अगर मगर मेरी बहन ने ये क्या, मेरी बहन ने वो किया। और अब हमारा और आपका साथ रहेगा रौनक रमजान के ट्रांसमिशन इस पूरे महीने में, तो जनाब देखना मत भूलिएगा आप 1 बजे से 3 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ और रहेंगी मेरी और आपकी ढेर सारी बातें, और वो बातें जिन पे हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन सही बंदा ढूंढ रहे होते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, रमजान की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। नाज़रीन रहमतों और बरकतों वाला महीना रमजान शुरू हो चुका है और आज पहला रोजा है। इस बार रमजान गर्म मौसम में आया है लेकिन इसके बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई रोजे से है और किसी की ख्वाहिश है कि वो इस बार बरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को समेट ले। इस महीने एक दूसरे का साथ दें, मोहब्बतों को आम कर दें क्योंकि इश्क है रमजान। सबके लिए पैगाम है रमजान, इश्क है रब की रजा पे जान।